हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीरेटी सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं 6 अलग अलग इंटर्नशिप की अपडेट बताने वाला हूं। काफी कमाल के अपडेट है दोस्तों, खासकर जो जेपी मॉर्गन की तरफ से हमें अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको मेंटरशिप, इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी जेपी मॉर्गन पे ऑफर होने वाली है। दोस्तों ऐसे 6 अलग अलग काफी अच्छे अपडेट्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कॉलेज में आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप पास आउट हो चुके हैं, किसी भी डिग्री प्रोग्राम पे आप इनरोल है तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कुछ यहाँ पे टेक्निकल इंटर्नशिप के बारे में आपको मैं बताऊंगा और कुछ आपको मैं नॉन टेक्निकल इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप दोस्तों किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर एलिजिबल नहीं है, आपके सीनियर या जूनियर उसमें एलिजिबल है, तो उनके साथ जरूर इसे शेयर करिएगा ताकि वो इसका फायदा उठा पाए। अगर आप दोस्तों इसी तरह से जॉब, इंटर्नशिप और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां पे आपको ऐसे अपडेट देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको इंटरनेट पे इतने आसानी से नहीं मिल पाते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों यहां पे हम बात को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में जो हमें देखने के लिए मिल रहा है उबर की तरफ से। काफी बड़ा अपडेट यहां पे सामने निकल के आया दोस्तों। उबर ने अभी इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होंगे दोस्तों तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटर्न का रोल आपको मिलेगा, और इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप इसे फुल टाइम जॉब रोल में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। बैंगलोर लोकेशन के लिए दोस्तों ये हायरिंग हो रही है, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन इंडिया में, मोस्ट ऑफ द चांस ये कि आने वाले समय पे इसे भी वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि यहाँ पे क्या क्या डिमांड की गई है, तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड इंटर्नशिप होने वाला है तो बेसिक स्किल सेट पर यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको दोस्तों किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो या फिर पाइथन हो। साथ में दोस्तों अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज है, डीबीएमएस का अच्छा नॉलेज है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके सेलेक्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। बात कर लीजिए दोस्तों कितने मंथ का इंटर्नशिप होगा, तो 2 मंथ का इंटर्नशिप होने वाला है जो कि समर में स्टार्ट होने वाला है। और अगर बात करें कि कौन कौन से ब्रांच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैथमेटिकल साइंस से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो स्टूडेंट 23 में पास आउट होने वाले हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जेपी मॉर्गन की तरफ से जो काफी बड़ी अपडेट आई है इसके बारे में। जेपी मॉर्गन ने दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 को लॉन्च किया हुआ है, और अगर बात कर ली जाए इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो क्या क्या फायदा होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड होने वाली है। करियर गाइडेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने करियर में ग्रो हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जेपी मॉर्गन के कई सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर पाएंगे, उनके जो पेड वेबिनार्स होते हैं उसे एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, और आपको यहाँ पे इंटर्नशिप भी करने का मौका मिलेगा, और आपको लास्ट ईयर में प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो ये इवेंट मैं आपको बता दूं 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसमें 2 एलिजिबिलिटी है, मतलब आपको 2 सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। जो पहला सिलेक्शन का प्रोसेस होगा दोस्तों उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि होने वाला है 23 जनवरी को, और इसके बाद अगर आप उस राउंड को क्लियर करते हैं तो 27 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में केस स्टडी चैलेंज को आपको फेस करना होगा। इन दोनों राउंड को क्लियर करने पे ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। इसके लिए दोस्तों 2024 के जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि 2024 में पास आउट होंगे, चाहे वो बीसीए वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो बीबीटेक वाले स्टूडेंट हो। तो अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, वैसे दोस्तों जेपी मॉर्गन का ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिली है ग्रोथ पाल टेक्नोलॉजी की तरफ से। काफी बड़ा रोल यहाँ पे निकला हुआ है दोस्तों इंटर्नशिप का। अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग की ओर है, फोटोशॉप में आप अच्छे हैं, फिग्मा में आप अच्छे हैं, एडोबी के जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप अच्छा कर लेते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांग नहीं की गई है। आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पास आउट हो चुके हैं, आप दोनों ही केस में यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे स्किल की डिमांड की गई है जो कि है दोस्तों डिजाइनिंग का। अगर आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड अच्छा नॉलेज है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर बात कर ली जाए कैसे आपको अप्लाई करना है, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जिसके बाद आप इनकी वेबसाइट में आ जाएंगे और यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप मिलने वाली है, और आप में से हर कोई इसमें एलिजिबल होने वाला है। पाइथन AI ML प्रोग्रामिंग पे अगर आप अपना फ्यूचर आगे करने का सोच रहे हैं तो आप इस वर्चुअल इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इंटर्नशिप भी आप करोगे, सर्टिफिकेट भी आपको इंटर्नशिप का मिलेगा और स्टाइफंड भी ऑफर होगा।
यहाँ पे दोस्तों पहले तो आपको चीज़ों को सिखाया जाएगा, फिर आप यहाँ पे पाइथन पे इंटर्नशिप कर रहे होंगे, सर्टिफिकेट, सैलरी, एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। बात करें कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो आप में से हर कोई जो इसमें इंटरेस्ट रखता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये इंटर्नशिप जो है ये 3 मंथ का इंटर्नशिप होने वाला है। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, ये नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए होने वाली है। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का यहाँ पे आपको रोल मिल रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप सॉफ्टवेयर रोल पे अच्छे नहीं हैं, आप अपने कम्युनिकेशन के बेसिस में कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ की ये इंटर्नशिप होने वाली है, जिसमें आपको हर मंथ 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों January 29 होने वाली है, और यहाँ पे आपको इमीडिएट इस इंटर्नशिप के लिए हायर कर लिया जाएगा। कौन अप्लाई कर सकते हैं? आप में से हर कोई जो इसमें अप्लाई करना चाहे, जिसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है, वो अप्लाई कर सकता है। 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी, जिसमें आपको सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का और स्टाइपेंड ऑफर किया जाएगा। 20 लोगों को ये इंटर्नशिप ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है इंटेल की तरफ से, तो काफी बड़ी अपडेट हमें इंटेल की तरफ से वापस एक बार नजर आ रही है, जहां पे बीबीटेक एमईएमटेक ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है या फिर वो किसी भी ईयर के स्टूडेंट है, अगर वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ग्रेजुएट इंटर्न का ये रोल है, जिसमें कई सारे लोगों को सॉफ्टवेयर रोल में डाला जाएगा, कुछ लोगों को हार्डवेयर रोल पे डाला जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिल रही है एचपी की तरफ से, पुणे महाराष्ट्र के लिए लोकेशन निकली हुई है, अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, सॉफ्टवेयर का ये रोल मिलने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ बीबीटेक के ऐसे स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो एलिजिबल होने वाले हैं, मतलब 22 में जो पास आउट होने वाले हैं वो एचपी की इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।